सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी ए मेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सी यू ई टी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कई सारे बच्चे हैं जो रिपीट होने वाले हैं, जो जिन्होंने लास्ट ईयर भी दिया इस साल भी देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, जो नए अपियर होने वाले हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को ये नहीं पता, उन जिनको नहीं पता से मतलब ये है कि उनको डाउट है कि एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, हम कौन से स्ट्रीम्स हैं तो पेपर दे सकते हैं, है ना। आप सिलेबस क्या है, सेक्शंस कितने हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, जनरल की कितनी है, ओबीसी कितनी है, एसटी कितनी है, ये सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। और ये डिस्कस करने वाले कि लैंग्वेज कितनी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं और इसमें बताने वाले हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है ना। तो आज हम इन सारे पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सीयूईटी, आखिर सीयूईटी है क्या। देखिए फ्रेंड्स, ये सीयूईटी एग्जाम्स आपको जितनी भी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक ही पेपर के अंडर लाने के लिए एनटीए या फिर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया स्टेप है, लिया गया स्टेप है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड से ट्वेल्थ क्लास करते हैं, ट्वेल्थ से पास आउट होते हैं, बहुत सारे बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल जो बोर्ड है या सीबीएसई, बहुत सारे बच्चे आईसीएसई, बहुत सारे स्टेट बोर्ड से, है ना। तो क्या है ना कि जो पर जो यूनिवर्सिटीज थी वो कई सारी यूनिवर्सिटी थी जो ट्वेल्थ की बोर्ड पर नंबर आपको एडमिशन देती थी, कई सारी यूनिवर्सिटी थी जो कि आपको अलग से पेपर करा देती थी, तो ना बहुत सारा केओस होता था। केओस से मतलब कि आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज का अलग से पेपर भरना होता था। फीस, बच्चों को फीस देखा जाए तो फाइनेंशियली भी एक वर्डन होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो सारा सब कुछ का इंडिविजुअल पेपर हटा के सबको एक ही पेपर के अंडर ले आए और उस पेपर को नाम दिया सी यू ई टी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबको इक्वल लेवल पे लाके आपकी एबिलिटी को चेक किया जाएगा और उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो हमने बात करी कि व्हाट इज सी यू ई टी। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या है। जो भी बच्चा ट्वेल्थ पास आउट है, और ट्वेल्थ पास आउट एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, ऐसा बोर्ड नहीं जो कि जिसकी वैलिडिटी नहीं है, जो मान्यता जिसको है ही नहीं है, आप उस बोर्ड से पास आउट होके आ गए तो वो आपको उसमें एलिजिबल नहीं है, आप उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हो, ठीक है। तो क्या है, आप ट्वेल्थ बोर्ड पास आउट होना चाहिए मान्यता प्राप्त, ठीक है। अब तीसरी बात, एज लिमिट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है एंट्रेंस एग्जाम, तो इसमें ऐसी कोई एज लिमिट नहीं दे रखी है, जो अब तक जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ऐसा कोई एज लिमिट वाला क्राइटेरिया नहीं है, बस इतना है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, ये एक कंडीशन है, ठीक है। अब चौथी बात करते हैं कि फॉर्म कब आता है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म आने की तो डेट ऐसी है कि कई बार, देखिए लास्ट अभी मैं हम लोग 2023 में, फर्स्ट पेपर हुआ था 2022 में पहली बार, तो उस समय थोड़ा सा कोविड की वजह से आगे पीछे डिले हो गया था। लेकिन जो इस बार जो पेपर आया है वो जो आना चाहिए था, जो फॉर्म फिल करने की डेट वो जनवरी के लास्ट वीक में आनी चाहिए थी, फिर उसको शिफ्ट करके कर दिया गया फरवरी के फर्स्ट वीक में, है ना। तो लेकिन अब तो पेपर आ चुका है ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशन डेट खुल चुकी है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक, इस टाइम के बीच में फॉर्म आ जाएगा जनरली। लेकिन इस साल तो 2023 में तो आ ही चुका है फरवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात कर ली हमने सीयूटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, अब बात और फॉर्म कब आता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स, फीस स्ट्रक्चर देखिए, कई सारे बच्चे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डोमेन से देना चाहते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो तीन तीन सब पेपर देना चाहते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो सात सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं, है ना, कई हैं जो 10 से भरना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एवरेज नॉमिनल बता देता हूँ, ठीक है। तो जनरल की जो है वो है 650 रुपये, 650 रुपीज जनरल की फीस है। एसटी की फीस कितनी है, 600 रुपये, सॉरी एससी की 600 रुपये है, एसटी की है 550, ठीक है। और फॉरेन स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बाहर किसी कंट्री का है जो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहता है, तो उसकी फीस है 3000 रुपये, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए लैंग्वेज का होता है, सेक्शन बी डोमेन का होता है, सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट यानी कि जीटी जिसे हम बोलते हैं। लैंग्वेज में क्या होता है, टोटल आपकी 13 लैंग्वेज में आपका 13 लैंग्वेज हैं जो कि सीयूईटी ने जिसमें पेपर लेगा, तो लैंग्वेज के अंडर टोटल 30 लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप लैंग्वेज पेपर देना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश से ही फिल करें, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इंग्लिश को मैंडेटरी कर रखा है। तो अगर आप
मैं आपको लास्ट में सेशन के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कॉम्बिनेशन क्या चूज करें जिससे आप मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, कि मतलब उस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तो आप बहुत मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंडर आप आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब सेक्शन टू क्या है, डोमेन। डोमेन कौन सा, जो आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है तो साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या फिर कोई आर्ट्स स्ट्रीम से तो या पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये सब है ना, कोई अगर कॉमर्स से है तो उसके उसके डोमेन के सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये होगा डोमेन, या फिर जिनको आप ट्वेल्थ आप स्कूल में बोलते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है ना, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट एक तरह से आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करता है, ये चेक करता है कि आप कितने अवेयर हैं डे टू डे लाइफ में, आपको कितनी जीके, आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, आपकी स्टैटिक कितनी नॉलेज जनरल नॉलेज है आपकी, और आपकी जो करंट कितनी नॉलेज है ना, तो ये आपकी एबिलिटी को चेक करता है, ठीक है। अब बात कर ये बात हम क्या पॉइंट क्लियर कर लिया कि एग्जाम पैटर्न किस टाइप का होता है। अब अगला पॉइंट है कि सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स जो इसका सिलेबस है वो ट्वेल्थ क्लास और या उससे नीचे तक का है, कई जगह मैथ्स पूछा गया है तो वो कई जगह मैथ्स क्लास 8 तक की भी आती है, तो है ना। तो आप ये मान के चलिए ट्वेल्थ क्लास तक आपने जो पढ़ा है सिर्फ वही इसमें पूछा जाएगा। और मैं आपको एक टिप दूं कि अगर आपकी एनसीईआरटी आपकी फिंगर टिप्स पे है तो आप ऐसे मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। एनसीईआरटी सीयूईटी के लिए एक की पॉइंट है, अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी प्रिपरेशन कर रखी है एकदम एनसीईआरटी की उंगलियों पे कमांड में है तो उसका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि एनटीए जो पेपर बनाती है वो मोस्टली सारे पेपर को वही कंडक्ट करता है, जैसे जेई मेंस हो गया, एनटीए नीट हो गया है ना, तो इस ये सारे पेपर किससे आता है, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आप एनसीईआरटी प्रिपेयर करना है आपको, और अगर हाँ अगर आपको कोई डाउट है तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे सेशन बना रखे हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस भी चूज कर रखे हैं सीयूईटी के लिए एमसीक्यूज, जो कि मैंने ऑलरेडी एक पूरी सीरीज बनाई है केमिस्ट्री को लेके और फिजिक्स को लेके, मैथ्स की बहुत जल्दी आने वाली है ना, तो आप वहां से जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होने वाली है। देखिए फ्रेंड टॉप यूनिवर्सिटी का तो देखो ऐसा होता है कोई किसी को कई बार ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि कौन कौन सी नामी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो पहली यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दैट इज कहाँ सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में। और फिर है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दैट इज कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में, ठीक है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। उसके बाद है जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया, ये कहाँ पर है, ये भी दिल्ली में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। एएमयू अलाहाबाद, एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये यूपी अलीगढ़ में सिचुएटेड है, ठीक है। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है। तेजपुर यूनिवर्सिटी असम की है। पौंडचेरी यूनिवर्सिटी पौंडचेरी में है। नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे, मेघालय में है, है ना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ, वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप में मानी जाती हैं, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो अगर आप इनको चाहते हैं तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। अब जो बात मैंने बोली थी कि मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप चूज़ करें तो आप मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हो जाएंगे, वो क्या है कि आप एक तो लैंग्वेज चूज़ करें और कोशिश करें कि लैंग्वेज में आप इंग्लिश ही चूज़ करो, ठीक है। कोशिश करो, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करो। तीन डोमेन, फिर बात करते हैं डोमेन सेक्शन में, तो डोमेन सेक्शन में आप तीन डोमेन पेपर दो, तीन डोमेन, ठीक है। क्योंकि कई जगह दो लेते हैं, कई जगह एक लेता है, लेकिन कई जगह तीन भी लेते हैं, तो आप तीन देंगे तो जितने भी एक या दो सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि तीन डोमेन पेपर दो, पहला क्या है, एक लैंग्वेज इंग्लिश में, एक डोमेन में देना है, तीन डोमेन के पेपर, ठीक है। तो सेक्शन ए क्लियर हो गया, सेक्शन टू क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन तीन में, जीटी, तो अब जीटी दो, ठीक है। तो जीटी को मैंडेटरी देना ही आपको इसमें, क्योंकि बहुत सारी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो जीटी को मानती हैं, कोई बहुत सारी हैं जो नहीं मानती है, लेकिन आपको देना है क्योंकि हमको मेजोरिटी को टारगेट करना है, क्योंकि भीड़ बहुत सारी है, एक एक नंबर पे लड़ाई होने वाली है। लड़ाई कैसे कि एक एक नंबर पे आप देखेंगे हजारों रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी आपकी, है ना। तो आपको मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है ताकि हमारा ये साल वेस्ट ना हो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, एक लैंग्वेज इंग्लिश में, लैंग्वेज कौन चूज करें, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज, तीन डोमेन और आखिरी में जीटी, ये देना है अपन को, है ना। तो चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, आई होप आपको सीयूटी का पूरा
पूरा डिटेल्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, मेरे व्हाट्सएप से मुझसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां भी मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, जिनको हम फॉर्म फिल करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई हेल्प चाहिए तब भी आप मेरी जो मैंने पिछला सेशन डाला है उसको आप जाके चेक कर सकते हैं, मेरी बाकी वीडियो को चेक कर सकते हैं CUET के जितने भी ऊपर है ना। तो चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज हमारे पास आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद बीमा मेंटर।